अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंच टोस्ट बनाने का तरीका, जो मैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाऊंगी। फ्रेंच टोस्ट तो सभी बनाते हैं, लेकिन हर एक की अपनी रेसिपी होती है। तो ये फ्रेंच टोस्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि सभी के लिए अच्छे हैं, और खसूसन ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत खुश होके खाएंगे। तो चलिए देखें कि मैंने ये मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट किस तरह बनाए हैं। ये तीन अंडे मैंने लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब इनमें ये 4 टेबलस्पून चीनी डालूंगी, इन्हें अच्छी तरह फेंट लेते हैं। चीनी डाल के फेंटने के बाद अब ये 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ और ये 1 चुटकी नमक। अब फिर अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अब ये 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। अब फिर अच्छी तरह फेंट लेते हैं। ये 4 मैंने ब्रेड के पीस लिए हैं। तवे पे मैंने मक्खन लगा लिए। अब ये ब्रेड का पीस हम इसमें करेंगे अच्छी तरह डिप, ज्यादा देर तक नहीं करना ताकि ब्रेड सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह किनारों पे थोड़ा थोड़ा मक्खन और लगा लेते हैं। और एक और हम करते हैं नया और अच्छा काम कि मैं इनके ऊपर लगाती हूँ सफेद तिल, क्योंकि मुझे ये वाले फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद हैं जिनके ऊपर तिल लगाए गए। थोड़ा सा ये तिल कर दें प्रेस। ये 3 अंडे का जो मैंने अमेजा बनाया था, इससे तकरीबन हमारे 5 या 6 तो फ्रेंच टोस्ट जरूर बन जाएंगे। अगर आप जरूरत महसूस करें तो मक्खन मजीद लगा सकते हैं। अब ये दोनों साइडों से कुक हो चुके हैं, इन्हें अब मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह अब मैं सारे सैंडविच फ्रेंच टोस्ट बना लूंगी। ये मजेदार और हेल्दी फ्रेंच टोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर आप पसंद करते हैं तो शहद भी डालें, शहद बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह की हेल्दी चीजें बच्चों को बना के देनी चाहिए, बच्चों को आदत भी होती है और उनकी सेहत भी अच्छी होती है। फ्रेंच टोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं, ये बहुत मजे के बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगेगा। आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।